नमस्कार दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका यूआईएन डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो कल का क्वेश्चन था कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है, उसका सही उत्तर है सिक्किम, जो है ऑप्शन सी। अगर आपने कल का क्विज़ नहीं देखा है तो आप कल का क्विज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न, जो है हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, आपको बताना है कि वह किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है क्रिकेट और डी है टेनिस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है फुटबॉल। देखिए, इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच, यहाँ पर देखना यह है कि इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी थे और आयरलैंड के पूर्व कोच थे, जिनका नाम है जैक चार्ल्टन। उनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी 1966 विश्व कप फाइनल में बेबली स्टेडियम में अतिरिक्त समय के बाद जर्मनी को 4-2 से मात देकर विश्व चैंपियन बनना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत की कौन सी उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है आत्मनिर्भर भारत अभियान को, बी है मिशन समुद्र सेतु अभियान को, सी है बाघों की गणना में कैमरा ट्रैपिंग, ये एक पद्धति होती है इसके इस्तेमाल को, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है बाघों की गणना में कैमरा ट्रैपिंग पद्धति को। देखिए, देश भर में बाघों की बड़ी संख्या के बाद अब उसकी गणना में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई कैमरा ट्रैपिंग तकनीक ने भी क्या किया है कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और 2018 में बाघों की गणना में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए कैमरा ट्रैपिंग ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। इसमें करीब 27,000 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। और इन कैमरों से क्या है कि वन्य जीवों की तकरीबन 3 करोड़ फोटो भी लिए गए थे। और दुनिया भर में अब तक कहीं भी वन्य जीवों की गणना में इतने बड़े पैमाने पर कैमरों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वर्ष 2018 में हुई बाघों की गणना की रिपोर्ट जुलाई 2019 में आई थी, और इसके तहत देश में बाघों की संख्या 2014 की गणना के मुकाबले 2226 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 2967 हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है उत्तर प्रदेश की सकल प्रजनन दर कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 2.1, बी है 2.4, सी है 2.7 और डी है 3.1। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 2.7। देखिए, उत्तर प्रदेश की सकल प्रजनन दर है 2.7 और जबकि भारत की सकल प्रजनन दर है 2.2। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर का संबंध किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना, बी है मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करना, सी जीवन रक्षक टीकाकरण से और डी बच्चों में कुपोषण को रोकने से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना। चलिए देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए 1820 न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर और 180 न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित की हैं। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में टिकटॉक जैसा जो है फीचर रील्स को लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है यूट्यूब, बी है इंस्टाग्राम, सी है फेसबुक और डी है ट्विटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इंस्टाग्राम। देखिए, इंस्टाग्राम ने क्या किया है कि टिकटॉक जैसा फीचर है जिसका नाम है रील्स, उसको लॉन्च किया है भारत में। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है डॉक्टर पराग चिटनीस, बी है डॉक्टर स्कॉट एंजेल्स, सी है डॉक्टर PS व्यास और डी है डॉक्टर PN नारायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है डॉक्टर पराग चिटनीस। देखिए, हाल ही में जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनीस को प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। और जो डॉक्टर पराग चिटनीस हैं वो डॉक्टर स्कॉट एंजेल्स का स्थान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, हाल ही में सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए किसने जीत दर्ज की है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है प्रीतम सिंह, बी है ली सीएन लूंग और सी है NG मेंग, ये यहाँ पर डॉट होगा और डी है आंग मो कियो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है ली सीएन लूंग। देखिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीएन लूंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी
PAP ने COVID-19 महामारी के बीच हुए आम चुनाव में संसद की 93 में से 83 सीटों पर जीत दर्ज की है और सत्तारूढ़ पार्टी 1965 में आज़ादी के बाद से ही सत्ता में है। और भारतीय मूल के नेता जिनका नाम है प्रीतम सिंह के नेतृत्व वाली विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने सेंग कांग की GRC समेत 10 सीटों पर जीत दर्ज की है और वर्कर्स पार्टी के नेता हैं प्रीतम सिंह, उनको नेता विपक्ष बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको चुनना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना की है। दूसरा कथन है किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक रखा गया है। और तीसरा कथन है किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में बनी समिति के अध्यक्ष अशोक दलवाई हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल एक सही है, बी है केवल एक व दो सही है, सी है केवल एक व तीन सही है और डी है सभी 1, 2, 3 सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है केवल 1 और 3 सही है। देखिए मतलब क्या है कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत ढांचा कोष की स्थापना की है और जो किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है वो रखा है सरकार ने 2024 तक के लिए। और तीसरा है किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में बनी समिति के अध्यक्ष जो है वो है अशोक दलवाई। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है भारत में औषधि महानियंत्रक ने आइटोलिजुमैब इंजेक्शन का COVID-19 के उन मरीजों के उपचार में सीमित इस्तेमाल किए जाने की मंजूरी दे दी है जिन्हें सांस लेने में मध्यम या गंभीर स्तर की दिक्कत हो। आपको बताना है कि आइटोलिजुमैब इंजेक्शन जो है कौन से रोग के उपचार में दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कैंसर, बी है हृदय रोग में, सी है TB में और डी है त्वचा रोग में। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है त्वचा रोग में। चलिए बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से पुनः लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गूगल करेंट्स, बी है गूगल एडवांस, सी है गूगल ग्लोबल और डी है गूगल बिजनेस। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है गूगल करेंट्स। देखिए हाल ही में गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस, पहले गूगल प्लस चलता था, आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, जिसको बीच में गूगल ने बंद कर दिया था, अब गूगल ने पुनः इसको गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है और ये जो नया वर्जन है वो एंड्रॉयड फ़ोन और iOS कस्टमर के लिए उपलब्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वर्ष 2022, बी है वर्ष 2024, सी है वर्ष 2027 और डी है वर्ष 2030। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है वर्ष 2030। देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके तहत रेलवे ने अपनी सभी खाली जमीनों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने का भी फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग नामक संक्रामक बीमारी फैलने की पुष्टि हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नाइजीरिया, बी है सोमालिया, सी है उत्तरी चीन और डी है कांगो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है उत्तरी चीन। देखिए हाल ही में उत्तरी चीन के मंगोलिया प्रांत में एक चरवाहे की ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रांत में लेवल 3 की चेतावनी जारी की गई है और यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों को प्रभावित करती है और यह बीमारी यर्सीनिया पेस्टियस बैक्टीरियम के कारण होती है और यह बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह बीमारी जो है वो पिस्सुओं के द्वारा फैलती है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन है इरावदी नदी किस देश में प्रवाहित होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है म्यांमार, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है थाईलैंड। इस प्रश्न का उत्तर देना आप आपको हमें कमेंट के माध्यम से। चलिए आज के अंक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।